तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्फिनिटी स्पोर्ट्स और आज हम बात करेंगे इंडियन फुटबॉल और आईएसएल से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेटों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और ऐसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी रोक टोक के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उमित सिंह को लेके। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था उमित सिंह के साथ ईस्ट बंगाल का बातचीत चल रहा है कि ईस्ट बंगाल लेना चाहते हैं उमित सिंह को नेक्स्ट सीजन अपने टीम में। तो दोस्तों, अब वो जो डील है वो लगभग फाइनल हो चुका है। अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया ईस्ट बंगाल की तरफ से, लेकिन आप लोग ये 100% कन्फर्म हो चुका है कि उमित सिंह अगले सीजन में जो है वो ईस्ट बंगाल की तरफ से ही खेलेंगे। तो दोस्तों, उमित सिंह जो है वो बेसिकली एक विंगर है, उनका उम्र है 27 साल और वो खेलते हैं ईरान के नेशनल टीम की तरफ से। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है ये साइनिंग ईस्ट बंगाल के लिए कितना ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा अगले आने वाले सीजन में? तो दोस्तों, अब बात करेंगे रॉय कृष्णा को लेके। तो दोस्तों, बहुत दिनों से कुछ ऐसा ही रूमर्स निकल के आ रहा था कि शायद रॉय कृष्णा एटीके मोहनबगान में नहीं आने वाले हैं, वो शायद मुंबई सिटी एफसी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सभी रूमर्स के ऊपर पानी फेर के दिया है मार्कस ने। तो दोस्तों, एक मार्कस एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने कह दिया है अपने ट्विटर हैंडल से कि रॉय कृष्णा एटीके मोहनबगान में ही रहने वाले हैं नेक्स्ट सीजन। तो दोस्तों, आप लोग निश्चिंत हो सकते हैं कि नेक्स्ट सीजन में आप लोगों को रॉय कृष्णा एटीके मोहनबगान टीम के तरफ से ही खेलते हुए दिखेंगे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे एटीके मोहनबगान या मोहनबगान एटीके के साथ जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। तो दोस्तों, जो नया कंपनी तैयार होने वाला था एटीके और मोहनबगान के साथ, तो दोस्तों वो कंपनी तो मार्च हो चुका है। उनका नाम है एटीके मोहनबगान प्राइवेट लिमिटेड। और दोस्तों, इस कंपनी का जो बोर्ड है वो भी गठन हो चुका है। तो दोस्तों, इस बोर्ड में कुल 5 मेंबर है। पहले हैं उत्सव पारेख, दूसरे हैं श्रींजय बोस, तीसरे हैं देवाशीष दत्त, चौथे नंबर पे है गौतम रॉय और 5वें नंबर पे है संजीव मेहरा। तो दोस्तों, ये 5ों लोग ही है इस नए टीम के बोर्ड मेंबर। दोस्तों, अब बात करेंगे एटीके मोहनबगान से जुड़ी और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जहां पर कुछ दिनों से एक लोगो वायरल हो रहा है जो एटीके मोहनबगान का नया लोगो सब लोगों को लग रहा है। लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है एटीके मोहनबगान के तरफ से या मोहनबगान एटीके की तरफ से, जो कोई भी लोगो अभी तक ऑफिशियल नहीं किया है उन्होंने। तो दोस्तों, ये जो लोगो निकल के आ रहा है वो अभी तक कोई भी कन्फर्मेशन नहीं देता है कि यही लोगो ही आगे जाके एटीके मोहनबगान या मोहनबगान एटीके टीम का लोगो बनेगा। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हुगो ब्रूमस को लेके। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों पहले तक भी ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि शायद हुगो ब्रूमस एफसी गोवा को छोड़ के जाने वाले हैं, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है तो शायद उसके साथ ऐसा लग रहा है कि शायद एफसी गोवा को वो ना छोड़े। तो दोस्तों, हुगो ब्रूमस अभी भी कन्फ्यूज़ हैं क्या वो आईएसएल में खेले या ना खेले। तो दोस्तों, इस कन्फ्यूजन के कारण ही वो शायद एफसी गोवा को अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है या ऑफिशियल अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है जहाँ पर हुगो ब्रूमस कह दे कि वो नेक्स्ट सीजन एफसी गोवा की तरफ से ना खेले। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है हुगो ब्रूमस क्या नेक्स्ट सीजन आईएसएल में रहेंगे और एफसी गोवा की तरफ से खेलेंगे? तो दोस्तों, इन सभी न्यूज़ और अपडेटों के बीच अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा न्यूज़ और अपडेट अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन वाली घंटी भी ऑन कर दीजिए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलने के लिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं आईएसएल और इंडियन फुटबॉल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और अपडेटों के साथ।